पृथ्वी चौहान और कैंपेक सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको इंटरेक्टिव पैनल के बारे में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव पैनल है, इसमें आप टच स्क्रीन के साथ काम कर सकते हैं। फीचर्स इतने सारे हैं, ये फुल्ली एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया था। और इसका जो साइज़ है जो अभी हमने इंस्टॉल करा है ये 75 इंच का है। आप इसको 95 इंच, 85 इंच और अदर बहुत सारे साइजेस में उपलब्ध हैं। इसमें फ्रेंड्स हम OPS लगाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट भी यूज कर सकते हैं। अभी इसमें विदाउट OPS है, लेकिन इन फ्यूचर हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं उसके साथ। इसके अलावा मैं आपको इसके कुछ ऑप्शंस से इंट्रोडक्शन कराता हूँ, दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये वर्क करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको एजुकेशनल पर्पज से है तो मैं आपको बोर्ड के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे इनका इंटरेक्टिव बोर्ड में इंटरनल ये सॉफ्टवेयर जो है वो बोर्ड दिया गया है, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वाइट बोर्ड बनाना है तो आप वाइट बोर्ड बना सकते हैं। ये मैंने पूरा वाइट बोर्ड बना लिया। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसका मैं अभी ब्लैक ही कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको टूल्स दिए हुए हैं, आप टूल्स से कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर खोल लिया मैंने, और बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास। यहाँ से आप पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, अगर आपके लोकल स्टोरेज में कोई पिक्चर्स वगैरह है तो आप उसको भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से टूल्स में जाने के बाद आप और भी बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे देखिए शेप इंसर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने स्क्वायर बना लिया, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप पेन में कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर लेंगे। सपोज मैंने रेड करा वो तो रेड कर, और आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को। ये आप ट्रैक करके साइड में लेके जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप दो फिंगर से एक साथ ही वर्क कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ही वर्क कर रहा हूँ, आप दोनों फिंगर से इवन पूरे 5 फिंगर से ही वर्क कर सकते हैं। इरेज करना है तो आप सारा कुछ वर्क इसमें कर सकते हैं। आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ये मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा इरेज होगा। वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, पूरा एक्सप्लेन करूँगा सर फ्रेंड्स को काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे होम पेज पे आप जाएंगे तो जो हमारे टीवी में नॉर्मली ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। आप ये एप्लीकेशन, अभी इसमें कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल है और आप ऑलरेडी कोई अदर एप्लीकेशन है तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें यूट्यूब खोल रहा हूँ, देखिए आप इस तरीके से आप लोग कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं, स्टूडेंट को आप बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं यहाँ से, ये आप बाकी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। और मैं कुछ ऑप्शन दिखा रहा हूँ, जैसे ये स्पॉट लाइट वाला ऑप्शन है, आप किसी पर्टिकुलर एरिया को, स्क्रीन के पर्टिकुलर एरिया को आप स्पॉट लाइट कर सकते हैं। यहाँ से आप और अदर चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस तरीके से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप एक साथ 4 डिवाइस को स्क्रीन कास्ट भी कर सकते हैं। देखिए सपोज मैं आपको मेरी डिवाइस को स्क्रीन कास्ट करके बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। तो एप्लीकेशन है उससे मैंने इसका स्क्रीन कास्ट कर लिया है, और अब मैं ये जो सारा वर्क कर रहा हूँ मैं मेरे फोन पे कर रहा हूँ। सपोज मैंने यही वाला वीडियो प्ले करा, आप यहाँ से पूरा वीडियो प्ले कर सकते हैं जो भी करना है। और आप इस इसी में ही आप एडिटिंग भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको कुछ इसमें मेंशन करना है तो आप यहाँ से कलर वाइज लेके कोई पेन से लेकर पूरा मेंशन भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हम बाहर आ गए स्क्रीन कास्ट, यहाँ से हम ये सारे एप्लीकेशन देख सकते हैं, ये सारा कुछ आ गया। आप इसमें कुछ कोड्स भी दिए हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे पेन ड्राइव लगा सकते हैं आप, और आप HDMI के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ अच्छा पैनल है फ्रेंड्स ये,
और उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप इंक्वायरी करके इसका प्राइस और कॉन्फिगरेशन डिटेल्स ले सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।